अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बना रहे हैं मीठे चावल, जिनको मतंजन बोलते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, शराज ने भी मुझे ला के दी हैं, वैसे बाढ़ने के लिए बना रही हैं। चावल बॉईल करने हैं तो पानी रखा हुआ है, और क्वांटिटी भी मैं आपको बता दूँ, 2 किलो हमारे चावल हैं, और 1.5 kg हमारी जो है ना वो चीनी है। मतलब 2 किलो चावल, 1.5 किलो चीनी, और ये जो है ना मैं चीज़ें काट रही थी इसकी, और इसमें जो है ना वो जो अशक्तियाँ कहते हैं वो पड़ी हुई हैं। ये तो खैर एंड पे जाएंगे ना, तो प्लान जर्दे का था, तो बस चिराज जो है ना वो कहता है कलरफुल बनाने हैं। इसमें इसमें कलर है तो ये रहा वो रेड कलर, थोड़ा सा गीला हो गया है। तो हमारे घर में जो है ना पापा और भाई बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन, आप उन्हें कह लें कि बहुत ज़्यादा उन्हें मीठे का क्रेज़ है, और भाई ने कहा है कि ना मीठा बनवाने, तो हमारा प्लान जो था ना वो नमकीन चावल का था। ऐसा ही रोज़ नमकीन ही खाने, आज मीठे बनाओ जी, बिल्कुल हम भी इंजॉय करें। ऐसा ही है बिल्कुल। और वो रही सामने मैं, चावल बॉयल हो रही है, और मुझे लग रहा है कि ये जो बर्तन है ना ये कम है, तो मुझे पतीला रखना पड़ेगा। ये माशाल्लाह चावल ज़्यादा हैं और ये जो बर्तन कम है, जब शीरा बनेगा ना तो फिर मिक्स नहीं होंगे अच्छे तरीके से, तो इसलिए ये जो है ना बस बॉयल मैं इनमें करूँगी और इनको हम चेंज कर लेंगे। और अभी मैंने जो है ना नमाज़ पढ़नी, असर का टाइम हुआ है, श्राज पता नहीं कहाँ निकला हुआ है ऑर्डर लगा के। इसका यही ऑर्डर होता है कि चीनी ना बस कम हो, इसलिए मुझे उसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी ला के दी है कि चेक कर लेना, कम हुई तो इसमें डाल देना। अब होप्स हो कि अच्छे बन जाएं, तो बस इसमें जो है ना चीनी शामिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से इसको मेल्ट करते हैं। और चावल जो है ना बॉईल हो गए थे, आधे ये पड़े हैं और आधे जो है ना ये पड़े हैं, तो बस ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है ना चीनी को मेल्ट करते हैं, और इसमें जो है ना 1 कप मैं दूध भी शामिल कर दूँगी ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। हाँ जी, और ये ख़त्म जो है ना वो 11वीं शरीफ के, आपको पता है बड़ी 11वीं है, तो बस इस वजह से हम ना बच्चों को बांटेंगे। जब तक चीनी मेल्ट होती है तो तब तक हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलें जी, फिर से रिकैप कर देती हूँ। 1.5 किलो चीनी है, 2 किलो चावल हैं, घी के अंदर जो है ना 1.5 किलो चीनी को मैं मेल्ट कर रही हूँ, 1 कप जो है ना मैंने दूध शामिल किया, और ड्राई फ्रूट्स जो है ना इन सबको एक साथ जो है ना घी में मैं पका रही हूँ, ताकि ये चीनी मेल्ट हो, इसका पानी ड्राई हो, तो फिर जो है ना हम ये चावल ये डाल देंगे, और ऊपर से जो जो कलर मतलब 3 होते हैं मतंजन के वो डाल देंगे। भाई शराज मैच देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा मैच हो रहा है? कौन सा मैच हो रहा है वो तो मुझे भी पता है, किन किन का हो रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का और नेदरलैंड का मैच हो रहा है। नेदरलैंड की धुलाई हो रही है तीनों हाथों से, तीनों हाथों से जी, दोनों हाथों से नहीं, तीनों हाथों से जी, जैसे हर मैच में पाकिस्तान की होती है ना। समझ आ रही है, टाइम हो गया, और रूम में हमारे थोड़ा सा गंद बिखरा हुआ है, आपने इसको इग्नोर करना है। और मामा यहाँ पर नमाज पढ़ रही हैं, असर की मैंने पढ़ ली है, और मैंने अपने चावलों की तैयारी कर रही है, तैयारी की बस बनने वाले हैं। नीचे करो थोड़ा सा, बस ये जो है ना शुगर का पानी चीनी का ड्राई होता है, तो इसमें मैंने चावल डाल देने हैं, और जो कि काफ़ी हद तक हो गया, और चीनी भी जो है ना बस मेल्ट ही होने वाली है जी। और मैंने अपने हाथ में इन चीज़ों से और इन चीज़ों से और जो डाल दी है रोके में, क्योंकि ये नए हाथ के चावल हैं और उसको जूठा नहीं करते, ऐसे ही है ना। हाँ जी, पहले नहीं खाते जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चावल डाले जा रहे हैं इसके अंदर, शीरा जो बनाया था ना उसके अंदर, ये जो काम है ना, ये है सारे कलर, दिस वन इज रेड येलो और ग्रीन, बिल्कुल बस इसको देखते हैं हम पहले लिखेंगे एच अगर तो घर पे ना करवाओ एच एच लिखा है पहले, ठीक है, एच से हरमैन, फिर आएगा एस, ये ना थिक बहुत हो गई माशाल्लाह, मेरी जगह छोड़ी है। हाँ जी, लास्ट पर एफ, रेड वन माय फेवरेट कलर, ठीक है ना, आपको समझ लग गई है, हरमैन, शराज और फातिमा, और ऊपर आर भी लिख दिया गया है पापा के नाम का, और एफ से ही फौजिया बनता है, हमारी मामा का नाम है, अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको पता लग गया। चलें जी, बस इसको हम दम पे लगाते हैं, ये जो है ना
चलो ठीक है, दम खुल गया है माशाल्लाह। और हमारा जो HSF हमने लिखा था ना, उसका तो पता नहीं कुछ और ही बन गया। क्या बन गया? सही तो है, मतलब थोड़ा सा फैल गया। जी बिल्कुल, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही फैल गया। मैं बात कर रही थी, नीचे हमने उतार लिया इसको। मैंने कहा आपको दूर से कोलू मोलू लग रहे, पास से बहुत प्यारे आ रहा नजर। ये देख, कोलू मोलू तो नहीं हुए, इतने प्यारे बने। अगर हो जाते तो मेरी मामा को बड़ी खुशी होनी थी। ठीक है, मेरी मामा को कोपला पसंद है। मैं बात नहीं करूं, थप्पड़ मारना। आपको पिछली आपको पिछली कहती हूं कि चावल जो है ना नरम होने चाहिए। आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि हमारी मामा कहती हैं कि चावल जो है ना वो बस कलर ज्यादा सही नहीं होता ना, उसके चावल नरम होते हैं, खड़े ना हो, लंबे पे हो। लंबे पे हैं जी, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर मैं जर्रा चावल बना रही है, मैं तो नमकीन का कह रही थी, तो शिनाज ने जिद की कि नहीं मीठे चावल बना रहे, पता नहीं क्यों ये आजकल मीठे का इतना शौकीन बना हुआ। तो आज है ना रबी उलानी की 10 तारीख है और मैं हर महीने ना 10 तारीख को 11वीं शरीफ का चाहे थोड़ी सी चीज़ बच्चों में तकसीम करूँ ज़रूर करती हूँ अपनी हिम्मत तौफीक के हिसाब से। तो ये महीना तो बड़ी प्यार भी कह रहे, तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हम जनाब गौस पाक के नाम की बड़ी सी बड़ी न्याज दिलाएँ। अल्लाह पाक हमारे घर में बरकत दे, आप सबके घरों में भी अल्लाह पाक बरकत दे, और आप भी बच्चों को ज़रूर चाहे जितनी तौफीक हो लाजमी चीज़ बांटा करें। ट्राई किए हैं चावल कैसे बने हैं? ज़बरदस्त। ये रही जी हमारे चावलों के फाइनल लुक। और और ये क्यों रहा? अब आपने बताने हैं कि आपको कैसे लगे। इधर पीछे पड़ा होगा कहीं, देख लो। मुझे पसंद नहीं है, मेरे प्लेट में तो मेरे हाथ में अंडा खाना है। अब खुश है क्या? हाँ। चीनी फुल तेज है, अब बिल्कुल खुश है। हाँ, मम्मा का ख्याल नहीं ना किया। हाँ। मेरी बेटी माशाल्लाह हर चीज सही बनाती है, परफेक्ट। तो ये जो है ना शराब, ये ना इसको हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है। सही है। और पहले मैंने बच्चों को बांटने के, अब घरों में दे रहे हैं। तो फिर किसी दिन, ये पूरा महीना 11वीं शरीफ का ही है, बच्चों को बांटेंगे ये। तो ये ना घरों में तकसीम करने लग गए, एक एक प्लेट मेरे सब्सक्राइबर्स की भी। हाँ जी, आप सब भी आ जाए, जिस किसने जिसको मीठा पसंद है वो सब आके खा सकते हैं। हमें हाथ का मीठा माशाल्लाह मेरी बेटी हर चीज़ है। वालेकुम जी, ये सुबह सुबह का टाइम है, आज है थर्सडे, और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने मीठे चावल बनाए थे, तो आज सुबह सुबह सालन नहीं था। तो मैं अभी वॉक से वापसी पे लेके आई हूँ मूली, और मैंने आके हरमैन से उठने से पहले ये मूली को कद्दूकश करके इसका वो बना दिया मसाला वगैरह, और पेड़े भी बना दिए। अब हरमैन बनाएगी पराठे प्यारे प्यारे क्रिस्पी क्रिस्पी। और आप सब से जिस जिसने खाने हैं वो आ सकता है हमारे साथ। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह जिस जिसने खाने हैं वो आप खुद ही पका के खा। नहीं, हम ऐसे नहीं है, हम लाहौरी हैं, विशाल हम लाहौर से नहीं। एक मिनट, चावल जी आपको खांसी मीठे है ना, इसलिए मैं तो जी आज का हम चावल और मेरी आज है ईद। ठीक है, जब मीठे चावल हो और आज हमारी ईद है। और हम ऐसे नहीं कहते कि आप वो खुद ही खा लें, मैं तो ये कहती हूँ जिसने खाने हैं वेलकम सो बिस्मिल्लाह, वो आए हमारे साथ, हम उसको मूली का पराठा भी खिलाएंगे और साथ में दही का रायता भी। चले ठीक है, ठीक है, डन हो गया। तो मैं अपनी गले बराबर ही बात चाय ले लो, चाय सुबह चलें जी। ये था आज का हमारा व्लॉग, छोटा सा था। हरमैन अपी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से जितना सा बना बस उतना सा बनाया। वेदर चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से सबको फ्लू हल्का फुल्का सा ज़ुकाम हुआ हुआ है। तो हरमैन अपी अब लेट गई, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हरमैन अपी लेट गई है। तो मैंने कहा व्लॉग को एंड बैक कर देती हूँ, अब मगरिब की अजान हुई, अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।